हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी फेस जेल, स्ट्रॉबेरी फेस क्रीम, या फिर आप इसे कह सकते हो स्ट्रॉबेरी फेस मॉइस्चराइजर। डजेंट मैटर, आपको जो कहना है आप वो कह लीजिए इसे, लेकिन ये विटामिन सी से भरपूर है, आपके स्किन से दाग धब्बों को हटाएगा, पिगमेंटेशन को हटाएगा, आप के कलर में भी आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। बिकॉज स्ट्रॉबेरी जो है आपके उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी क्या काम करता है आई थिंक मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, ये जो जेल है ये बहुत ही गजब का वर्क करता है। आपने इसे क्या करना है कि इसे रात में सोते वक्त लगा लीजिए, देन नेक्स्ट मॉर्निंग में वॉश करना है, बस इतना ही करना है आपको, कुछ भी नहीं। और इसे लगाने से पहले एक बार फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। ओके, तो ये जेल गाइस बहुत ही गजब का काम करेगा। प्लस ये एक एंटी एजिंग क्रीम की तरह भी काम करता है। बिकॉज स्ट्रॉबेरी में ऐसे कई सारे विटामिंस होते हैं, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को जल्दी, स्किन में बुढ़ापा नहीं आने देते हैं। ये एक एंटी एजिंग क्रीम की तरह भी काम करेगा। और आपको पता ही होगा मार्केट में कितने महंगे महंगे एंटी एजिंग क्रीम के नाम पर बिकते हैं, तो वो लगाने से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि हम घर की क्रीम यूज़ करें, और इसी से आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हो। सो गाइज, मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, पर ट्रस्ट मी, ये बहुत गजब का। इसे एक बार ज़रूर बनाकर इसे अप्लाई कीजिएगा अपने फेस पर, बहुत ही गजब का काम करता है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शर्त है, आप अगर मेरे मतलब कोई नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान सा है, कोई हलवा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है सब कुछ करने में। सो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप लोग मेरे नए वीडियोस और देखना चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस तक आप लोगों के पास और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच पाए। सो गाइज, चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ जो हम लोग स्ट्रॉबेरी का फेस क्रीम या फेस मॉइस्चराइजर या फिर फेस जेल जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज। बिकॉज़ ये हमें हम सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए ही स्टोर कर सकते हैं, दैट्स वाई हमने सिर्फ 2 से 3 ही स्ट्रॉबेरीज ली हैं। उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बनाया था। देन उसके बाद मैंने क्या किया, जो चाय की छन्नी आती है स्ट्रेनर, उसकी हेल्प से इसे छान लिया है। तो ये इस टाइप से बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो हमें चाहिए 1 चम्मच स्ट्रॉबेरी का पेस्ट। ओके, देन गाइस, नेक्स्ट हम लोग इस स्ट्रॉबेरी के पेस्ट में मिलाएंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, एक छोटे चम्मच के हिसाब से ही हम लोग इसमें मिलाएंगे ग्लिसरीन, ज़्यादा नहीं मिलाना है, तो इतना सफिशिएंट है 1 चम्मच। ओके, देन गाइस, नेक्स्ट हम लोग इसमें मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच रोज़ वाटर। सो गाइस, इन सारी चीज़ों के जो फ़ायदे हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कई सारे वीडियोज़ में, तो आई थिंक दोबारा रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। तो 1 चम्मच हम लोग मिलाएंगे इसमें रोज़ वाटर। देन गाइस, नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच स्वीट आलमंड ऑयल। ये है रोगन बादाम शिरिन, तो आप लोग यही वाला अगर हो तो यही वाला यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो ये मिल जाए तो ठीक है, कोई भी फ्रेग्रेंस वाला सिर में लगाने वाला तेल यूज़ नहीं करना है। तो 1/2 छोटी चम्मच हम लोग इसमें ऐड कर देंगे बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल ना हो तो टेंशन ना लें, आप लोग वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, देन गाइस, नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। ओके, यहाँ मैंने पतंजलि का लिया है, आप अदर किसी ब्रांड का ले सकते हो। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा मिक्स करना है। ओके, देन गाइस, सो गाइस, नेक्स्ट हम लोग सबसे लास्ट में यहाँ पर मिलाएंगे 2 इवियन के कैप्सूल्स। तो ये विटामिन ई के कैप्सूल से आप लोगों को पता ही होगा विटामिन ई जो है हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। तो गाइस, विटामिन ई जो होता है वो आपकी स्किन से दाग धब्बों को हटाने में, आपकी स्किन से पिंपल्स को हटाने में, पिगमेंटेशन को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस अगर हम लोग इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करेंगे तो हमारा जो ये फेस जेल है ये ख़राब नहीं होगा जल्दी, तो इसीलिए हम लोग इसका डबल फ़ायदा हमें मिल जाएगा विटामिन ई का।
तो मैं इसमें दो ही कैप्सूल्स ऐड करूँगी, 4 से 5 दिन के लिए सफिशियंट है इतना। ओके देन गाइस, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्पून की हेल्प से अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज, यू कैन सी यहाँ हमारा फेशियल जेल जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा कंटेनर था मेरे पास, तो मैंने उसके अंदर इसे ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ आराम से 5 से 6 दिन तक के लिए। और आप इसे चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो, तो और इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी, तो आप इसे 8 दिन तक भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, इस तरीके से आपने किसी कंटेनर में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। सो गाइज, अब मैं आपको इसे अपने हाथों पर, अपने हैंड्स पर यहाँ अप्लाई करके दिखाती हूँ। बहुत ही लाइट वेट है, कहीं से कहीं तक भी आपको चिपचिपापन महसूस नहीं होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से हम लेंगे और ये देखिए बिल्कुल जेल टाइप का है, यहाँ मैं इसे यूज़ करूँगी। सो गाइज देखिए, कहीं से कहीं तक भी ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं लगेगा। और तो और इसमें अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल लाइट वेट है और एब्जॉर्ब बहुत जल्दी होता है। सो यू कैन सी, और इसका इसे यूज़ करने के बाद आपके फेस पर जो ग्लो आएगा ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही प्यारा और बिल्कुल लाइट वेट है। एक बार इसे बनाकर देखिए, आप पूरी ठंड इसे ही बनाकर यूज़ करोगे, बहुत ही प्यारा है। सो गाइस, आप लोगों को मेरा ये जो स्ट्रॉबेरी फेस मॉइस्चराइज़र या फेस जेल कह लीजिए, ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस, इसमें खुशबू की तो बिल्कुल कोई कमी नहीं है, फ्रेग्रेंस बिल्कुल नेचुरल वाली मिलेगी इसमें आप लोगों को। बिकॉज स्ट्रॉबेरी की जो खुशबू आती है ना, जब इसमें इसे आप फेस पर लगाओगे तो आपका मन करेगा कि इसे आप खा लीजिए, इतना प्यारा इसमें से खुशबू आती है स्ट्रॉबेरीज की। प्लस इसके अंदर हमने रोज़ वाटर ऐड किया है, तो रोज़ वाटर की भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। सो और जो एलोवेरा जेल है उसकी भी बहुत प्यारी इसमें से फ्रेग्रेंस आती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी मिलेगी आप लोगों को, खुशबू से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सो गाइज, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा। इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए, ज़रूर यूज़ कीजिए, आप लोगों को पूरे ठंड में इससे अच्छी कोई क्रीम मिल ही नहीं पाएगी। सो गाइज, चलिए यही था आज का मेरा वीडियो, मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।